उत्तर प्रदेश उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दी जानकारी। सपा से 2 सीटों का ऑफर मिलने के बाद फैसला, अखिलेश के कैंडिडेट्स को समर्थक। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बोले, राष्ट्रहित में त्याग करना पड़ता है। इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, एकजुट होकर लड़ेगा। राहुल अखिलेश के साथ प्रचार करने पर बोले, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा। कांग्रेस के उपचुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद सपा ने बाकी बची 2 सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार। गाजियाबाद से श्री सिंह राज जाटव और खैर से चारू कैन को टिकट दिया। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर सपा के लड़ने पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी बोले, हाथ का पंजा खाली रह गया। सपा ने कांग्रेस को थोपी पछाड़ का दाव दिया। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, फूलपुर से दीपक पटेल होंगे प्रत्याशी। कटहरी से धर्मराज निषाद को मिला टिकट। करहल से अनुजेश यादव होंगे बीजेपी प्रत्याशी। यूपी उपचुनाव के लिए बसपा ने जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह और गाजियाबाद से परमानंद गर्ग को टिकट मिला। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 नवंबर को 14 नवंबर तक राज्य के हर क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनावी सभा। महायुति के बागियों को लेकर अमित शाह, सख्त सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से कहा, ध्यान रखना कि कोई बागी खड़ा ना हो जाए। तीनों दलों के साथ मिलाकर चुनाव लड़ने के निर्देश। बीजेपी नेता नीलेश राणे के शिवसेना में शामिल होने पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, नीलेश राणे 52,000 वोटों की बढ़त के साथ जीतेंगे। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 25 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस, का स्थानीय नेता रहेंगे मौजूद। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका। अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकराया। अजीत पवार गुट को डिस्क्लेमर वाले आदेश का पालन करने का निर्देश। शीर्ष अदालत ने अजीत गुट से हलफनामा मांगा। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। बिहार में जेडीयू और आरजेडी में जुबानी जंग। शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू का फुल फॉर्म जहां दारू अनलिमिटेड बताया, जेडीयू का पलटवार, कहा आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरा नामांकन। बरहेट विधानसभा सीट से पर्चा भरा। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ा इंडिया अलायंस का साथ। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर मचा घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार के दिखाने और खाने के दांत अलग। प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम दिखाई। बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार, मुझ पर 10 साल से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। नहीं थमरा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। आज भी एयर इंडिया, विस्तारा समेत कई एयरलाइंस की 95 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विमानों को लगातार ट्रेड कॉल की सेक्शन में सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स से मांगी जानकारी, जांच में सहयोग का भी निर्देश दिया।